हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक एन पे, और मैं हूँ निर्दोष। और इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के आईफोन जो निकल के आए हैं उसके ओपिनियन के बारे में, कि मेरा ओपिनियन इन आईफोन्स के बारे में क्या है। आप सबको ये बाय करना चाहिए या फिर आपके पास 10S और 10S मैक्स है तो उसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और पहले एक दो बात करते हैं जो अपडेट कह लो या फिर एक जो इम्प्रूवमेंट कह लो एप्पल की तरफ से उसके बारे में। तो पहली बात तो ये है कि iOS 13, क्या जो हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो 19 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली रोल आउट होने वाली है। हालांकि वो 6S और 6S के ऊपर के जितने भी मॉडल्स है उसमें अवेलेबल होगा। जो दूसरी एप्पल की तरफ से जो सर्विस स्टार्ट होने वाली है सितंबर 19 के आसपास, वो है एप्पल आर्केड गेमिंग सर्विस। अब वो गेमिंग सर्विस US के लिए $4.99 में एवरी मंथ अवेलेबल है। हालांकि पहला मंथ जो है वो फ्री ट्रायल पे मिल जाएगा आपको, बट उसके बाद आपको $4.99 पे करने हैं। अगर आप इंडिया से हो तो बहुत ज़बरदस्त खुशी की बात है कि इंडिया के लिए सिर्फ आपको पर मंथ एप्पल आर्केड गेमिंग सर्विस एंजॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹99 खर्च करने की ज़रूरत है। और जो तीसरी जो सर्विस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एप्पल टीवी प्लस की सर्विस। एप्पल टीवी प्लस इंडिया के लिए अगेन सिर्फ ₹99 पर मंथ में मिलने वाला है। हालांकि US के लिए $4.99 है, पर इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिलने वाला है। ये एक नेटफ्लिक्स और अमेजोन की तरह एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं iPhone XS और XS Max से iPhone 11 Pro और 11 Pro Max की कंपैरिजन की बात, डिज़ाइन की बात, इम्प्रूवमेंट की बात, इनोवेशन की बात। बात करते हैं अब डिज़ाइन के बारे में। 10S, 10S Max, 11 Pro और 11 Pro Max, क्या फ़र्क है डिज़ाइन में? कुछ भी फ़र्क नहीं है सिवाय कैमरा सेटअप के। और एक ग्लॉसी फिनिश है 10S, 10S Max, और 11 में मैट फिनिश है। एप्पल का सिंबल 10S और 10S Max में थोड़ा ऊपर है, 11, 11 Pro के अंदर मिडल में दिया गया है। एक जो रूमर्स आ रहा था कि इसमें USB पोर्ट C होने वाला है, ओ तेरी, वो तो नहीं है, लाइटनिंग केबल ही दिया गया है। और हालांकि एक बात इस बार एप्पल ने अच्छी की है कि भैया कम से कम 18 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग है कम से कम वो इस बार वो बॉक्स में देने वाले हैं। हालांकि वो पता नहीं है कि लास्ट टाइम जो ऑडियो जैक जो निकल दिया था इस बार है कि नहीं है, उसका पता नहीं चला है अभी तक। वो अभी तक गायब ही है दोस्तों, गुमशुदा है। बात करते हैं 10S, 10S Max और iPhone 11 Pro और Pro Max की स्क्रीन साइज के बारे में। तो भैया स्क्रीन साइज सेम है, कुछ भी 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ा है। जो फर्क है वो iPhone Pro की जो डिस्प्ले है उसमें है कि वो डिस्प्ले का नाम है सुपर रेटिना HDR+ डिस्प्ले, यानी कि ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा और 1200 nits pixel का क्लियरिटी होगा। हालांकि रिजोल्यूशन 10S और जो प्रो है उन सभी मॉडल्स में सेम टू सेम है, सेम टू सेम। और एक जो मुझे एक थोड़ी सी एक बात जो मुझे खटकी है एप्पल इवेंट में वो ये है बैटरी के बारे में। बैटरी का कंपैरिजन वो लोग दिखा रहे थे तो सबसे बढ़िया मुझे कंपैरिजन लगा iPhone XR और iPhone 11 की कंपैरिजन के बारे में, कि भैया iPhone 11 की बैटरी है वो iPhone XR से 1 घंटा ज़्यादा चलेगी। अरे वाह भाई वाह, तालियां है आपके लिए कि इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। अरे भाई ये कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? बैटरी के बारे में जो इम्प्रूवमेंट है वो iPhone 11 Pro और 11 Pro Max के अंदर बढ़िया है। जैसे कि 10S और iPhone 11 Pro को कंपेयर करते हैं तो iPhone 11 Pro की बैटरी 10S से 4 घंटे ज़्यादा चलेगी। हाँ ठीक है, ये बात कंसिडर करने जैसी है। और फिर 11 Pro की बैटरी है वो iPhone XS Max से 5 घंटे तक ज़्यादा चलने वाली है। ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, मान सकते हैं। और अब जो जिस इम्प्रूवमेंट के बात करने वाले हैं वो है हर साल फिक्स ही रहता है जो आती है आईफोन की चिप प्रोसेसर के बारे में। इस बार जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है वो है A13 बायोनिक चिप, जो 30% फास्टर है A12 की बायोनिक चिप से। चलो भैया ये कंसिडर करने जैसी बात है कि 30% फास्टर वो काम करता है, मान लिया। अब जिस
इम्प्रूवमेंट की बात करने वाले हैं, जिस इम्प्रूवमेंट की तारीफ पूरे इवेंट में भर भर के की गई और सिर्फ उसी के बारे में बात की गई पूरे इवेंट में, तो भैया वो है आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो अब कैमरे की बात करते हैं कि ट्रिपल कैमरा सेटअप तो इसमें दिया गया है 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के अंदर, 10S और 10X मैक्स में ड्यूअल कैमरा सेटअप था। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ है, तो जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर एक है टेलीफोटो लेंस है, एक वाइड एंगल है, और तीसरा जो ऑप्शन इन लोगों ने डाला है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल। ठीक है, तीनों कैमरा 12 मेगापिक्सल सेंसर पे काम करेंगे, एक दे दिया है आपको 4X जूम, और जो एक ऑप्शन इन लोग जो इस बार ऐड किए हैं जबरदस्त है, ये सुनने जैसा है, जो सभी कंपनियां, सैमसंग ले लो आप, वन प्लस ले लो, या फिर हुआवे का मेट सीरीज ले लो, ठीक है, वो सभी में नाइट मोड पहले से है। भैया इस बार आप लेके आए हो, बहुत बढ़िया काम किया, आपको तो शाबाशी देनी चाहिए कि इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है कैमरे को लेके। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा जो 7 मेगापिक्सल था 10S और 10S मैक्स के अंदर, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के अंदर वो कर दिया है 12 मेगापिक्सल का। हालांकि जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, रियर जो तीनों कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा है आईफोन 11 11 प्रो के अंदर, वो सभी में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS और 60 FPS में। ये बहुत ज़बरदस्त बात है दोस्तों, अच्छा इंप्रूवमेंट है, अच्छी लगी मुझे। हालांकि अब ये बात निकल के आ रही है कि ये और एक जो नया फंक्शन लेके आया फ्रंट कैमरे में वो है स्लोमो सेल्फी, और इससे भी जबरदस्त और एक इम्प्रूवमेंट लेके आए कि आप फ्रंट कैमरे से अब सुपर स्लोमो वीडियो भी ले सकते हो। पता नहीं ये जो वर्ड लेके आते हैं ना, सुपर स्लोमो वीडियो, सुपर स्लोमो सेल्फी, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो रही इम्प्रूवमेंट की बात, अब आगे बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में बात करें इससे पहले और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है कि आईफोन जो नए आईफोन है आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, वो 4 मीटर अंडर वाटर दोस्तों रह सकते हैं 30 मिनट तक। हालांकि IP68 का इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है, बट ये एक बात नोट करने जैसी है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये है सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि पानी में इसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप मत कीजिए। और एक जो बात है वो ये कि इसमें सैमसंग नोट 10 प्लस की तरह एक जो ऑप्शन, एक फीचर दिया गया है ऑडियो जूम का, यानी कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आप जूम करोगे तो ऑडियो भी साथ में उतना ही क्लियर आएगा जितना ऑब्जेक्ट आप जूम करेंगे। ये एक फीचर मुझे अच्छा लगा है कि जो लोग वीडियो आईफोन में वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, उनके लिए एक ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्राइस और वेरिएंट के बारे में। पिछले जनवरी से ये रूमर था 10S 10S मैक्स के लॉन्च होने के बाद कि 64 GB वेरियंट अब एप्पल इस बार निकाल देगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। तीनों ही मॉडल में आईफोन 11 ले लो, 11 प्रो ले लो, 11 प्रो मैक्स ले लो, तीनों में ही 64 GB, 256 GB और 512 GB का वेरिएंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। आईफोन 11 की जो प्राइस है 64 GB की, वो स्टार्ट होगी 64,900 से, यानी कि एस सेम आईफोन XR जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था सेम प्राइस पे। अब बात करते हैं आईफोन 11 प्रो की प्राइसिंग की, तो वो अवेलेबल होगा 99,900 में, जो सेम अगेन आईफोन XS की प्राइस पे ही लॉन्च होने वाला है। और अब बात करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स के बारे में, तो उसकी प्राइस 64 GB वेरियंट की रहेगी 1,09,900, सेम अगेन आईफोन 10S मैक्स की प्राइस से सिमिलर ही है दोस्तों। अब ये फ़ोन अवेलेबल्स हो गए इंडिया में 27 सितंबर से, UK, लंदन, ऑस्ट्रेलिया वैसे सब कंट्रीज के लिए ये अवेलेबल रहेंगे 20 सितंबर से। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, जो मैं एकदम ऑनेस्टली देने वाला हूँ आपको। हालांकि मेरे पास 10S मैक्स है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। मुझे एप्पल ब्रांड बहुत पसंद है, उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आती है, बट अब ये है मेरा ओपिनियन। मैं ये सोचता हूँ कि जिन लोगों के पास XS और XS मैक्स है उन लोगों को अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल कैमरा सेटअप, A13 बायोनिक चिप और जो मैट फिनिश दिया गया है उससे बढ़कर और कोई इम्प्रूवमेंट मुझे ढंग का लगा नहीं है इसके अंदर। iOS 13 तो आपको 10S और 10S मैक्स में भी मिलने वाला है,
तो फिर क्यों अपग्रेड कर रहे हो? हाँ, अगर आपको ब्रांड पसंद है, बहुत शौकीन हो, पैसे ज़्यादा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी को एप्पल की वीडियो क्वालिटी पसंद आती है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी के मामले में एप्पल को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ज़बरदस्त रहती है। और इस बार एप्पल इवेंट में भी एप्पल ने कहा है कि सबसे बेहतर वीडियो क्वालिटी जो होगी वो एप्पल में ही 2019 में मिलने वाली है, तो ये बात मैं कंसिडर करने के लिए रेडी हूँ। बट ठीक है दोस्तों, अपग्रेड करने लायक है नहीं। ट्रिपल कैमरा सेटअप के लिए अगर आपको लेना है, पूरे दिन कैमरे में घुसे पड़े रहना है, तो आप आईफोन 11 आप बाई कर सकते हो जो 27 से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स ऑनेस्टली मिलती रहे। थैंक यू।